में क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को एक फर्जी महिला एसडीएम को गिरफ्तार किया है। महिला का नाम नीलम पराशर है। पूछताछ में पता चला कि वह अब तक कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है। उसने महिला बाल विकास विभाग सहित कई विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर भी लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। उसके पास से कई विभागों की नियुक्ति पत्र भी बरामद हुए हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यहाँ पर हमको जो है मेरे को एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत करी गई थी कि उसके द्वारा उसकी दुकान पर एक एसडीएम बोल के एक महिला के द्वारा शॉपिंग करी गई और फिर उसके बाद वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं। इसके बाद जो इनके द्वारा पता किया गया और तो पता चला कि ये एक फर्जी गैंग है ये, और फिर जो है उसके बाद हमने इसमें केस को टेकअप किया और आगे पूछताछ में पता चला कि काफ़ी ऐसे लोग पीड़ित हैं जिनको अलग अलग कारणों से उनको झांसे में लेकर उनसे पैसे भी लिए गए हैं और अलग अलग तरीके से उनको ठगा गया है, और इस तरह से ये महिला जो है ये ऑपरेट कर रही हैं अपने को एसडीएम बता के। इसमें जो है अभी वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है और आगे इसमें और डिटेल शेयर की जाएगी। सर, कहाँ के रहने वाली और सूचना है कि इसने पहले शायद तैयारी कर रही थी और फेल होने के बाद इसने ये फर्जी बन के लोगों को ठगा। हाँ, ऐसा प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा सामने आया है कि ये स्वयं भी जो है तैयारी की थी इनके द्वारा और जो है इन्होंने जो है एसडीएम बनना चाहा था, परंतु जो है फेल होने के उपरांत जो है इनके द्वारा इस तरह का जो है पूरा ये नाटक रचा गया। इस संबंध में अभी विवेचना जारी है, अभी प्रारंभिक पूछताछ जारी है अभी, और इसमें तथ्य आएंगे तो आप प्रत्यक्ष अवगत कराएंगे। किस किस के लेटर मिले हैं इसके पास? इसमें काफ़ी इनके पास जो है लेटर्स मिले हैं, अलग अलग विभागों की नियुक्ति के आदेश मिले हैं इनको, इनकी नियुक्तियों के संबंध में ये अपने को जो है जहाँ पे लोगों को अपनी तरफ से लेटर जारी कर रहे हैं एसडीएम बता के, इस तरह के काफ़ी सारे दस्तावेज इनके पास से मिले हैं जो पूर्ण रूप से फर्जी हैं और जो है जो दिखाता है कि इन्होंने कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है ठगी करने के लिए। शासकीय विभागों में ठगी करी? हाँ, इन्होंने अन्य बहुत सारे शासकीय विभागों के नाम पर इन्होंने जो है महिला बाल विकास या PWD अलग अलग विभागों के इन्होंने जो है वो बना रखे हैं पत्र और वो